नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्यूटेल्फ पर। लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था फोर्स। फोर्स में हमने जाना था कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें माप और दिशा दोनों होती है। अब हम देखेंगे कि इस माप और दिशा से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है वो कैसे पता करते हैं। तो नेट फोर्स बेसिकली होता है रिजल्टेंट फोर्स भी, मतलब कि अगर मेरा दो दिशाओं से या एक से ही दो फोर्स या बहुत सारे फोर्स एक बॉडी पे लग रहे हों तो उससे बताना कि टोटल नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है और किस दिशा में लग रहा है हम इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। सो बहुत ही ईजी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, लेट्स सी। सो नेट फोर्स हमारे तब होता है जैसे कि आप देख रहे हैं टग ऑफ वॉर है, इसमें लेफ्ट साइड पे भी कुछ लोग फोर्स लगा रहे हैं और राइट साइड पे भी कुछ लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो जो भी लोग इकट्ठा इस रोप पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ये रोप उस तरफ जाएगी। सो अगर मेरे राइट साइड के जो दो बच्चे हैं वो अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये रोप राइट साइड पे जाएगी और लेफ्ट साइड के बच्चे गड्ढे में गिर जाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नेट फोर्स ज़्यादा कहाँ लग रहा है। लेट्स सी, एक सिमुलेशन से करते हैं। फेट कोलोराडो की बहुत ही बढ़िया सिमुलेशन है और इस सिमुलेशन को यूज़ करके मैं आपको बताती हूँ। सो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फेट कोलोराडो की सिमुलेशन, इसका यूज़ करके मैं आपको नेट फोर्स के बारे में अच्छे से बताऊँगी। तो देखिए, ये एक बकेट है टॉफ़ी की और देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है, ब्लू टीम या रेड टीम। तो ये जो मेरा एक बच्चा है ये लगाता है फोर्स 50 न्यूटन का लेफ्ट साइड पर। सिमिलरली मैं एक और बच्चा रखूँगी, वो भी राइट साइड पे 50 न्यूटन का लगाएगा। अब यहाँ देखिए, मेरे दो फोर्स लग रहे हैं, 50 न्यूटन लेफ्ट में और 50 न्यूटन राइट में। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो जैसे हम कभी बैलेंस पे बैठते हैं और देखते हैं कि यहाँ का और यहाँ का वेट सेम होता है तो बैलेंस हो जाता है क्योंकि फोर्स माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हम 50 माइनस 50 करेंगे तो मुझे मिलेगा नेट फोर्स 0 न्यूटन, और क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका जो है डायरेक्शन सेम रहेगा और नेट फोर्स 0 न्यूटन। अब मैं क्या करूँगी, मैं एक और बच्चे को डाल दूँगी। इस केस में मेरे पास जो नेट फोर्स राइट की तरफ आया वो हुआ 100 न्यूटन और जो लेफ्ट की तरफ आया वो हुआ 50 न्यूटन। अब इसमें टोटल नेट फोर्स कैसे देखेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। जो ज़्यादा क्वांटिटी है, 100 न्यूटन ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, ज़्यादा माप है, 100 न्यूटन को लीजिए, माइनस में दूसरा बच्चा फोर्स को लीजिए और नेट बताइए। तो ये हुआ 100 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन, तो मुझे मिलेगा 50 न्यूटन। तो नेट फोर्स आपका 50 न्यूटन है। अब इसके बाद क्योंकि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दिशा भी होगी, तो जिस साइड पर ज़्यादा मैग्नीट्यूड ज़्यादा माप का फोर्स लग रहा है आप उस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। तो यहाँ 100 न्यूटन राइट की तरफ है तो मेरा नेट फोर्स आया 50 न्यूटन, जो मैंने निकाला 100 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन करके, और उसकी डायरेक्शन हुई टुवर्ड्स राइट क्योंकि 100 न्यूटन मेरा राइट की तरफ लग रहा है। अब मैं एक और करती हूँ, यहाँ मैंने एक बच्चा हटाया दूसरा लगाया, तो 100 न्यूटन लेफ्ट की तरफ है, राइट पर 50 न्यूटन है, तो नेट फोर्स हुआ 50 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। ज़रा देखते हैं सम ऑफ फोर्स मेरा ठीक आया है, 50 न्यूटन लेफ्ट की तरफ। अब इसे एप्लीकेशन में भी देखते हैं, देखिए तो इसका मतलब टॉफ़ी का बॉक्स हमारी ब्लू टीम जीत जाएगी। आप देख सकते हैं कैसे हुआ, हम एक और बार करके देखते हैं, ब्लू विंस, एक और बार करके देखते हैं। तो इसमें अब मैं क्या करूँगी, बड़ा वाला इंसान वहाँ रखेंगे, तो इसमें हमारा 150 न्यूटन 100 न्यूटन, तो बड़ा 150 माइनस छोटा 100 विल गिव मी 50 न्यूटन। सो नेट रिजल्टेंट फोर्सेस 50 न्यूटन, डायरेक्शन मेरा हुआ टुवर्ड्स राइट बिकॉज 150 न्यूटन ज़्यादा है, तो 50 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। लेट्स सी, देखिए, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू अबाउट नेट फोर्स कि ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर डायरेक्शन सेम है, मतलब कि अगर मेरा, देखिए अगर बाय चांस सारे फोर्स मेरे लेफ्ट की तरफ ही लगते, ये राइट को मैं यहाँ नहीं रख सकती हूँ, अगर सारे लेफ्ट की तरफ लगते तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स इस साइड होता। अगर कोई और दोनों फोर्स अगर मेरी एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो दोनों को आप ऐड कर देंगे और डायरेक्शन होगी मेरी उसी डायरेक्शन में जिस तरफ दोनों फोर्स लग रहे हैं। लेट्स क्विकली गो बैक एंड सी व्हाट वी हैव लर्न सो फार। सो हम इसी टॉपिक पे थे, हमने सिमुलेशन को देख लिया है, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे अब हमें रिजल्टेंट फोर्स देखना है, तो 30 न्यूटन लेफ्ट में है, 60 न्यूटन राइट में है, मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन का ज़्यादा है, सो इट वुड बी 60 माइनस 30, तो मेरा आएगा 30 न्यूटन, वो भी किस डायरेक्शन में, राइट की तरफ, तो 30 न्यूटन, ये वाला कर लिया। दूसरा देखते हैं, 30 न्यूटन लेफ्ट पे लग रहा है, 60 न्यूटन राइट पे लग रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले देखिए बड़ा क्या है,
60 न्यूटन. सो 60 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन विल गिव मी 30 न्यूटन और डायरेक्शन होगी जहाँ पर मेरा ज़्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब कि टुवर्ड्स माई लेफ्ट. तीसरा केस देखते हैं, 60 न्यूटन लेफ्ट में, 60 न्यूटन राइट में. मैग्नीट्यूड माप दोनों का सेम है, सो रिजल्टेंट आएगा 0 न्यूटन. चौथे केस में 30 न्यूटन लेफ्ट पे लग रहा है और 60 न्यूटन भी लेफ्ट में लग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हुई, मतलब लेफ्ट, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो उससे मेरे पास आएगा 60 प्लस 30 विच विल बी 60 न्यूटन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. एक बार आंसर देख लेते हैं. तो आप देख सकते हैं कि तीन केसेस में हमारे पास कुछ मैग्नीट्यूड आया, जैसे 30 न्यूटन 90 न्यूटन, बट एक केस में हमारे पास कोई नेट फोर्स नहीं आया. तो जिस केस में हमारे पास कोई नेट फोर्स नहीं आया उसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, और बाकियों में बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स. सो बैलेंस फोर्स मतलब कि अगर मेरी किसी भी चीज़ पर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो उसकी साइज, शेप, या फिर वो चल रही होगी तो रुकेगी नहीं और रुकी होगी तो चलेगी नहीं, मतलब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है. बाकी केसेस में फोर्स लग रहा है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन दिखाएगा. और साइज और शेप, इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे. आप उसमें देखना कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं या अनबैलेंस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट पे क्या असर पड़ता है. सो ये केस हुआ अनबैलेंस फोर्स का, सेकंड केस हुआ अनबैलेंस फोर्स का, थर्ड केस हमारा हुआ बैलेंस फोर्स का, और फोर्थ केस हुआ हमारा अनबैलेंस फोर्स का. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स क्विकली समराइज व्हाट वी हैव जस्ट लर्न. हमने अभी क्या पढ़ा देख लेते हैं एक बारी. तो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है मेरे दो टाइप का होता है, एक है मेरा बैलेंस फोर्स और दूसरा है अनबैलेंस फोर्स. जो बैलेंस फोर्स होता है इट डज नॉट कॉज चेंज इन मोशन, मतलब कि उसकी गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होता. दूसरा ये ऑपोजिट होता है डायरेक्शन में, या तो एक यहाँ होगा या एक इस साइड होगा. सो हमेशा डायरेक्शन जो है वो मेरी ऑपोजिट होगी. तीसरा इक्वल एंड साइज, अगर अनइक्वल होगा तो फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. इक्वल होता है ये 30 तो ये 30, ये 40 तो ये 40, इक्वल. अनबैलेंस फोर्सेस दे अकर व्हेन वन फोर्स इज ग्रेटर देन अदर. जैसे यहाँ देखिए 30 न्यूटन लेफ्ट पर है, 60 न्यूटन राइट पर है, तो ये जो होता है इसमें एक जो होता है वो ज़्यादा होता है. जो ज़्यादा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, माइनस में छोटा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा, डायरेक्शन होगा ज़्यादा वाला. इट शोज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. तो इसकी वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर इफेक्ट ऑफ फोर्सेज आता है, जैसे चेंज इन साइज, या फिर चेंज इन शेप, या फिर चेंज इन द मोशन, या चेंज इन स्पीड, इस तरह की चीज़ें. और इसमें जो हमारे एरोज होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, जैसे कि दो फोर्स ऐसे लग रहे होंगे या ऐसे लग रहे होंगे, या फिर ये ऑपोजिट होते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन. आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा. अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर लिखिएगा. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको कोई भी साइंस और मैथ्स की वीडियो मिस ना हो. आप हमारी वेबसाइट tutelf.com पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं. वहाँ पर आपको इस तरह की और एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी और आपको एक बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा. आप इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर वीडियोज़ देख सकते हैं. आप वहाँ पर टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसका इंस्टेंट आपको अपना ग्रेडिंग पता चलेगा कि आपको कितना आता है इस टॉपिक में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय.